इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का सेकेंड T20 मुकाबला कवर करेंगे। फर्स्ट T20 मुकाबला हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन जिस तरह से उम्मीद थी वो बारिश ने सारा कुछ उलटफेर कर दिया। प्रॉफिट हुआ, हम लोगों का कैप्टन कौन था भैया? हम लोगों का संजू सैमसन कैप्टन था। जैसे क्रीज पे आया, बारिश आ गई, वो एक दो रन और मारते जाते, जितने रन हमारे बहुत सारे यूजर्स जो है कुछ लीग जो लॉस किए वो 2-4 पॉइंट से किए, जो कि संजू सैमसन किन्हीं का कैप्टन नहीं था। तो बारिश को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि प्रॉफिट हुआ, और मैंने 6 से 7 डेज पहले एक वीडियो डाला था सिर्फ पी कृष्णा और रवि बिश्नोई के ऊपर कि ये दोनों होगा घातक साबित, और दोनों कैप्टन वाइस का प्रबल दावेदार निकला था, आप लोगों ने देखा। तो मैं हमेशा कम इन्वेस्ट पे अधिक प्रॉफिट की ओर अपने यूजर्स को ले जाता हूँ, बस हमारी बातों के अनुसार जो फोकस करता है। हमारा एक यूजर्स 1 करोड़ रुपये वाले पे 2 रैंक पे था, किसी भाई ने मुझे सेंड किया था, और उसी टाइम देखा जाए तो सी यंग 2 विकेट ले जाता है। तो थोड़ा सा मुझे काफ़ी बुरा लगा कि हमारा यूजर्स तो कम से कम रैंक 2 पे चल रहा था, 2 विकेट गया, बारिश आई, बहुत कुछ आया, और इनके अलावा वो पीछे चला गया। अगर यदि ये बारिश जो मतलब कि 2 विकेट से पहले आता तो वो रैंक 2 पे रहता, और वो कितना रुपया ले जाता, आप सोच सकते हो। खैर कोई नहीं मेरे भाई, दुख तो होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ होगा, जो हमारे यूजर्स लोगो लगाए हुए थे, रैंक 2 पर थे, सिर्फ 2 गेंद पे सारा कुछ बदल गया। तो मेरे भाई सेकेंड T20 में सबसे बड़ा चीज़ है कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा। लोगों ने देखा तिलक वर्मा को तीसरे नंबर पे आते हुए, तो लोग सोच रहे होंगे कि तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। आर गया कि वार्ड आउट होगा, दाएं हाथ का बल्लेबाज तो वहां पर संजू सैमसन आएगा, और बाएं हाथ का बल्लेबाज जैसे कि भाई जयसवाल आउट हुआ तो उनके जगह बाएं हाथ का ही बल्लेबाज तिलक वर्मा आया। तो ये 3 नंबर फिक्स नहीं, वो विकेट और सिचुएशन के आधार पे आएगा। तो मेरे भाई स्मॉल के साथ साथ GL का भी मैच जबरदस्त होने वाला है। तो अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल 55.5 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा, यहीं पे आपको आकर जुड़ जाना है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट फर्स्ट जो है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे ये ओरिजिनल चैनल पर चले आओगे, बिल्कुल फ्री का फायदा आप उठा सकते हो। तो मेरे भाई सेम पिच पे खेल होने वाला है, जहाँ पर फास्ट गेंदबाज को मदद मिलता है, लेकिन क्वालिटी स्पिनर यहाँ पर वर्क करेगा, जैसे रवि बिश्नोई किसी भी सिचुएशन में बेहतर कर जाता है। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी किया, देखो यहाँ से डिफरेंशियल पिक बलबीर ने और पॉल स्टर्लिंग होने वाला है। लेकिन अगर यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का जादू नहीं चलने वाला है, कहर नहीं आने वाला है, तो ए सिंह लगभग उतना असर शुरुआत में नहीं डाल रहा है, तो दोनों बेहतर कर सकता है। इल्टुक्कर बढ़िया डिफरेंशियल पिक ये भी होगा अगर यदि आप GL पे ट्राई करते हो, क्योंकि विकेट कीपिंग से कुछ हद तक पॉइंट देगा। हैरी टेक्टर का रिकॉर्ड बढ़िया है, तो फिर से हम लोग ट्राई करेंगे और ये अच्छा खासा हम लोगों के लिए असरदार हो सकता है। क्रिस्टी कैम्पर हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, इंग्लैंड जैसे बड़े टीम के खिलाफ मैंने बताया ना कि ये शतक भी जड़ा था, तो यहाँ पर आसानी से खेल सकता है। जी डॉक्टर बड़े वाले GL का डिफरेंशियल पिक होगा, क्योंकि ये पार्ट टाइम गेंदबाजी, साथ में छक्के चौके वाले डील करते हैं। मार्क आर्डर इंपोर्टेंट रहेगा, बल्ले से योगदान देते, साथ में गेंदबाजी अच्छा करते हैं। BMC कार्टे जिस तरह से 51 का योगदान दिया, उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन गेंदबाजी से ज़्यादा हम लोग इनके ऊपर भरोसा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गेंदबाज ठीक ठाक है, बल्लेबाज ज़्यादा बेहतर है नहीं। तो मेरे भाई यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर जसप्रीत बुमराह यहाँ पर 2 विकेट ले गए, ए सिंह यहाँ पर 1 विकेट ले गए, प्रसिद्ध कृष्ण, यानी इंडिया के सारे गेंदबाज इंपोर्टेंट रहेंगे। लेकिन सेकेंड इनिंग में आप ए सिंह के ऊपर रिस्क लेकर यहाँ पर रवि बिश्नोई को पिक कर सकते हो। तो दोस्तों इंडिया गेंदबाजी में सिर्फ एक चेंज आप कर सकते हो, सारे गेंदबाज आप ड्रीम इलेवन पे पिक करके वो ओपनर वाला कॉम्बिनेशन या ओपनर या गेंदबाज के ऊपर तो जा सकते हो, लेकिन एक गेंदबाज को छोड़ना चाहते हो तो देखो करना क्या है। पहले गेंदबाजी करेगा तो सुंदर को ड्रॉप करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट मैच में किया, और अगर यदि बाद में गेंदबाजी इंडिया करे तो ए सिंह या फिर पी कृष्णा के ऊपर रिस्क ले सकते हो। लेकिन डिफरेंशियल पिक में यहाँ पर पी कृष्णा अच्छा सरदार पहले मुकाबले में साबित हुआ, तो इन सब हम लोग टॉस अपडेट के साथ कर लेंगे। इंडिया के बल्लेबाजी, इंडिया का देखो टॉप 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चारों के चारों। अब रिस्क लेना चाहते हो तो देखो एक बड़ा सवाल है कि रिस्क किन पे लिया जाए, तो एक ही नाम आता है, YJSWAL के ऊपर रिस्क ले सकते हो, लेकिन पावर प्ले खेल गया तो आपको
तहस नहस कर देगा, नहीं तो पावर प्ले में ही सिमट सकता है। तिलक वर्मा यहाँ पर सस्ते में आउट हुआ, लेकिन कैप्टन भीसी के लिए प्रबल दावेदार है तिलक वर्मा इस मुकाबले के लिए। तीन नंबर पे आएंगे तो और भी असरदार है, लेकिन वो बड़ा सवाल रहेगा तीन नंबर पे कौन। तो वही दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन में संजू सैमसन, तिलक वर्मा दोनों में से कोई भी आ सकता है। इनकी गेंदबाजी में सी यंग दो विकेट लेंगे, ठीक ठाक गेंदबाज है। देखो आयरलैंड के गेंदबाज अटैक बुरा नहीं है। अब देखो आयरलैंड पहले गेंदबाजी करेगा तो क्या करना है, आयरलैंड का सिर्फ तीन से चार गेंदबाज ही पिक कर लेना है जो कि असरदार रहेगा, क्योंकि इंडिया का विकेट जाएगा मेरे भाई, छः से सात विकेट तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि आयरलैंड का उतना कमज़ोर गेंदबाजी अटैक है नहीं, और ये अपने घर वाले पिच पे खेल रहे हैं तो असरदार रहेगा। तो इनके गेंदबाज इंपोर्टेंट रहेगा। मार्क आडेर तो ऑलराउंडर है, बीएमसी कार्टी ने भी बता दिया कि मैं भी ऑलराउंडर हूँ, तो जोश लिटल बड़े बड़े लीग में खेलने का अनुभव है, तो इन सब का भी देखेंगे। लेकिन इस मुकाबले का सबसे टर्निंग पॉइंट है वो कॉम्बिनेशन क्या होगा जो कि जीएल एसएल मिनी जीएल अलग अलग पे वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आएंगे जो आप तक पहुंच जाएगा, जो कि आप वंचित रह जाते हो गेस बोनस डिस्काउंट, तो इन सब का भी फायदा मिलता है। दूसरा चीज़ है कि कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी शानदार तरीका से। बात करेंगे इंडिया की पहले गेंदबाजी पर, जसप्रीत बुमराह, ए सिंह, प्रसिद्ध, कृष्णा, रवि बिश्नो, ये चार को आंख बंद करके पिक करना है। अब हो सके ए सिंह पॉइंट ना दे, जसप्रीत बुमराह पॉइंट ना दे, तो फिर मुझे मत बोलना कि भैया इन्होंने पॉइंट नहीं दे, तो वो तो देखो लक पर है, फेंटेसी जो है स्किल के साथ साथ लक पर डिपेंड करता है, लेकिन ये चार को हमें नहीं लगता है कि ड्रॉप करना चाहिए। बाकी बल्लेबाजी में देखोगे तो सेफ ऑप्शन में संजू सैमसन, आर गायकवाड़, वाई जायसवाल होना चाहिए। संजू सैमसन क्यों इंपॉर्टेंट है, तीन में भी आने का आशंका, साथ में विकेट कीपरिंग का पॉइंट देगा। तो पहले गेंदबाजी के इंडिया में इतने सारे प्लेयर सारे टीम पे लगभग होना चाहिए। इस स्थिति में आयरलैंड के तरफ से देखा जाए, देखो यहाँ पर एक पिक यहाँ से वर्क करेगा उनका जो है, यहाँ से हैरी टेक्टर, क्रिस्टी केम्पर, इनके अलावा यहाँ से मार्क आडेर। अब एक प्लेयर जो ये पिक होगा वो सबसे बड़ा असरदार होगा, हो सकता है तिलक वर्मा को आप ले लो, हो सकता है आप इनका पॉल स्टर्लिंग को ले लो, हो सके आप बलबिरनी को ले लो, एल टुकर को ले लो, तो ये असरदार होने वाला है कैप्टन भीसी का। तो मेरे भाई इन सब पे आपको फोकस करना, लास्ट प्लेयर एक एक करके रोटेट करोगे जबरदस्त रैंक आएगा। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि जो हमारा यूजर्स दो रैंक पे था और वो बारिश दो गेंद विकटे जाने के बाद आई, वो दो गेंद पहले क्यों बारिश नहीं आई, बहुत मुझे दुख हो रहा है। कितना खुशी होता, उसकी ज़िंदगी बदल जाती मेरे भाई, क्या बता जाए। वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में भी एक 33 रुपये वाले जो होता है 5 लाख वाले, उसमें रैंक वन पे चल रहा था हमारा ही यूजर्स, वहाँ पर भी तहस नहस हो गया, तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। अब यहाँ पर देखा जाए, ये मैंने बता दिया पहले गेंदबाजी पे आप बीएमसी कार्टी को चाहो तो कर सकते हो, या फिर एल टुकर को, पॉल स्टर्लिंग को, ये कर सकते हो। अब बात आती है कि इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा मेरे भैया तो क्या करना चाहिए। देखो इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चारों को पिक कर लेना, क्या करना है तिलक वर्मा तक पिक कर ही लेना है, ये हो जाएगा सेफ सटीक टीम पे। लेकिन मेरे भाई चारों को पिक करोगे तो ये 100% मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इन चार में से कोई एक तो फ्लॉप जाएगा। अब कौन फ्लॉप जाएगा ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर यदि आपको लग रहा है पहला नंबर वाई जायसवाल, दूसरा में आर गायकवाड़, देखो संजू सैमसन का भी फॉर्म कुछ खास है नहीं, लेकिन विकेट कीपरिंग का पॉइंट की वजह से इन्हें मैं बेस्ट मानता हूं। तो ऐसे में इंडिया जब पहले बल्लेबाजी करेगा तो ऐसे टीम बना सकते हो, और एक जो रिस्क लोगे ना तो वो चला जाएगा सीधे किन के ऊपर, वो चला जाएगा सीधे एक एक्स्ट्रा गेंदबाज जो होगा किन के, आयरलैंड का। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, यहां से हटेगा हैरी टेक्टर, यहां से कैम्पर भी हटेगा, क्या दिक्कत है भाई, रिस्क लो, रिस्क से मत डरो। लेकिन देखो ऑलराउंडर में कोई बेहतर है नहीं, तो मैंने बताया ना कि इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा, सेकेंड गेंदबाजी पर असरदार रहेगा यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, तो यहाँ से सुंदर आ जाएगा, इनके अलावा जोशुआ लिटल आ जाएगा हमारे टीम पे। अब यहाँ से देखा जाए मेरे भाई, हैरी टेक्टर को मैं ड्रॉप यहाँ से करूँगा, पहले गेंदबाजी आयरलैंड करेगा तो ज़्यादा गेंदबाज लेंगे, आपको पता सी यंग यहाँ से आ जाएगा, ऐसा हमारा टीम होगा। अगर यदि इन चार में से किसी एक के ऊपर रिस्क ले रहे हो तो एक ए सिंह का नाम आता है, अपना इंडिया का स्पिनर ले लो, या फिर इनका एक एक्स्ट्रा गेंदबाज ले लो, कैंपर ले लो, जो भी ले लो। तो ये सब बस आपको क्या करना, सिचुएशन के आधार पर कैप्टन भीसी को उलट फेर करना है। कैप्टन भीसी फिलहाल के लिए देखो मेरा सेफ और च्वाइस में देखा जाए तो रवि बिश्नोई हमारा भीसी होने वाला है, कैप्टनसी मैं यहाँ पर संजू सैमसन को फिर से देने वाला हूँ। बस बारिश मत आना, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा, प्रॉफिट हुआ लेकिन वो प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए ये टीम सेव कर लो, जो मैंने बताया उनको जरूर करना, भगवान की कृपा से करते हैं हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए इसी उम्मीद के साथ। डेली मैं सोच रहा हूँ, डेली न डेली एक न एक दिन प्रॉफिट होगा।